बहुत अच्छी आ रही है ठंडी हवा, शुरू हो गई है, ठंड लगने शुरू हो। जो भी आपको भरना है, जितनी कोक आपको भरनी है, ये यहाँ रखना अपने आप ही। हाँ हाँ, ये खुल गई इसकी आगे की डिक्की। पर ये लो 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 हो गया। रात के 9 बज रहे हैं मम्मी जी, हमें ऐसा लग रहा है शाम के 6 बजे हैं। 6 बजे हाँ जी, स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। और आज हम मम्मी पापा को लेकर निकले हैं यहाँ का द मोस्ट टूरिस्टिक स्पॉट घुमाने, जिसका नाम है माउंट रेनियर। या तो मम्मी पापा ऑलरेडी गाड़ी में जाके बैठ चुके हैं, तो हम भी निकलते हैं और साथ ही साथ आपको भी घुमाते हैं। वैसे तो आपने हमारे व्लॉग्स अगर देखते हो कंटिन्यूसली तो देख ही लिया होगा कि हम बहुत बारी माउंटेनर जा चुके हैं। जब वीर के मम्मी पापा आए थे तो हम उनको भी वहाँ पर लेकर गए थे। बट ऐसा होता है कि ना, सीजन वाइज वहाँ पे थोड़े थोड़े सीनिक चेंजेस होते रहते हैं, तो देखते हैं कि इस बारी गर्मियों के सीजन में कैसा दिखता है। राइट, एंड कुछ प्रोसेस में भी वहाँ पे चेंजेस हुए हैं विजिट करने में, तो वो भी आपको हम बताते हैं आगे की जर्नी में। ऑलमोस्ट टेस्ला के काफी सारे फीचर्स तो दिखा दिए हैं, बट एक सबसे अच्छा वाला फीचर अभी तक नहीं दिखाया, तो वो आज दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो आप, ये पूरी कार आपके फोन से कंट्रोल हो जाती है। आप देखो, ये खुल गई इसकी आगे की डिक्की, और यहाँ पे भी स्पेस है, पीछे भी स्पेस है, और इसमें कहीं इंजन नहीं है। आई नो, जो कि आपने ब्लॉग में देखी होगा, बस मेरे को ऐसे ही दिखाना था। फिर भी चौपाई भी करनी थी तुम्हें। हाँ, भी मैंने बताया था इलेक्ट्रिक गाड़ी में होता कुछ नहीं है। हाँ, कुछ नहीं होता, बैटरी है और बॉडी है। सिर्फ नीचे बैटरी है और यहाँ पे मोटर लगा रखी है और पीछे मोटर लगा रखी है। एक जगह चार्ज कराना पड़ेगा। नहीं, बीच में रुकना पड़ेगा। चलो जी, चलो चलो जी, करते हैं श्री गणेश। जय माता दी। बड़ा वाला है क्या? हाँ हाँ, रेंटल में है ना वो भी। रेंटल में तो है। यहाँ पर ये देख रहे हो, ये सामने ये आईकिया का सबसे बड़ा, मतलब यहाँ पे ये सबसे बड़ा है आईकिया, इस एरिया का सबसे बड़ा। हाँ, बहुत बड़ा है ये पूरा फर्नीचर डेकोरेशन। मैं यही चल रहा था, मैं तो कह रहा छोड़ है, कहाँ क्या जाएगी, तो माउंटेनर आईकिया घुमाते हैं मम्मी पापा। अच्छा, पर आईकिया अच्छा नहीं लगेगा, ये भी घूमने में टाइम लगेगा, पूरा दिन चाहिए, चला जाएगा आपका। और यहाँ पर क्या होता है ना कि ऐसे मॉडल्स टाइप मॉडल टाइप बना रखा होता है, छोटे छोटे एरिया, ऐसा अच्छा लगेगा। और उसपे फिर प्राइस लिख देंगे उसके आइडिया के लिए, और आपको लगेगा सब लगा ले हम घर में, ये भी ले ले, ये भी ले ले। एक आइटम के प्राइस थे उसमें, वो सब एक्सेसरी है। बस कोई क्वालिटी हाँ इतनी अच्छी नहीं है इसके वुड की, लेकिन पैसे पूरे हैं, पैसे तो पूरे हैं, यहाँ पे ऐसे ही चलता है। तो भाई अभी हाल फिलहाल में ना माउंटेनियर विजिट करने की प्रोसेस में एक बड़ा, बहुत ही बड़ा चेंज आया है, जो कि है कि आपको ना वहाँ जाने से पहले ही रिजर्वेशन करानी पड़ती है। अगर आपको पैराडाइज कॉरिडोर रिजर्वेशन, किसकी रिजर्वेशन? पार्किंग के स्पॉट के लिए रिजर्वेशन। वो एक्चुअली पता नहीं है कि पार्किंग के रिजर्वेशन का स्पॉट है या फिर क्या है, वो तो वहीं जाके पता चलेगा। वहाँ पे तो टाइम्ड एंट्री लिखा हुआ है वेबसाइट में, तो हाँ। तो अगर आपको पैराडाइज कॉरिडोर विजिट करना है या फिर सनराइज कॉरिडोर विजिट करना है, मतलब यही जो दो मेन पॉइंट है ना, मेन पार्किंग के लिए, हाँ, लोग मतलब ज्यादातर इन्हीं दो मेन पॉइंट पे विजिट करते हैं। तो इन दो कॉरिडोर्स को अगर आपको विजिट करना होता है तो आपको पहले से ही रिजर्वेशन करानी होती है। और इसकी भी टाइमिंग्स है, 7 बजे से लेके 3 बजे के बीच में अगर आपको विजिट करना है तो ही आपको करानी पड़ेगी रिजर्वेशन। अगर आप 7 बजे से पहले विजिट करना चाहते हो, 3 बजे के बाद विजिट करना चाहते हो, तो आपको कोई रिजर्वेशन कराने की नीड नहीं है। हाँ, और हमारा ये वाला प्लान जो है वो अचानक से बना, क्योंकि हम लोग स्लॉट ढूंढ रहे थे, तो हमें 1 से 3 का स्लॉट जो होता है वो वाला हमने बुक किया था।
हालांकि पैराडाइज कॉरिडोर का एक्चुअली होता है कि वीकेंड्स पे जो सैटरडे संडे का स्लॉट होता है ना, वो एक दिन पहले खुलता है, वैसे वो भी शाम को 7 बजे। हाँ, फॉर एग्जांपल सैटरडे के लिए बुक करना है आपको तो फ्राइडे 7 बजे से स्लॉट निकलना स्टार्ट होंगे, और हम भूल गए थे कराना, बट फिर हमने देखा लकीली एक स्लॉट मिल गया 1 से 3 वाला, वो भी आज ही मिला है हमारा। मतलब प्लान ऐसा था कि कैंसिल हो गया था, हम सोच रहे थे कि क्या करें, बट हमें लकीली स्लॉट मिल गया और हमने बुक कर लिया। बट अभी हम थोड़ा सा लेट चल रहे हैं, तो हम जब माउंटेनर पहुंचेंगे ना तो 3 से ज्यादा ही हो जाएगा, मतलब 3:30 कुछ हो ही जाएगा। हाँ। तो रिजर्वेशन का हमें कुछ फायदा होगा नहीं ज्यादा, बट ठीक है ना, कोई नहीं, इसी बहाने हमारा प्लान तो बन गया। हाँ, बट एक चीज जो मुझे अच्छी नहीं लगी रिजर्व करवाते टाइम, वो ये कि आपको रिजर्वेशन के पैसे देने पड़ते हैं, विच इज $2। हालांकि इतने ज्यादा नहीं है, बट स्टिल यार आपको $2 देने पड़ रहे हैं एक्स्ट्रा रिजर्व करवाने के लिए। और प्लस अगर आपके पास वहाँ पे विजिट करने के लिए पास नहीं है, वो तो लगते ही वो तो अलग से है। नेशनल पार्क का पास तो अलग से, आपको टिकट तो लेनी पड़ती है, वो अलग है, बट आपको ये $2 और देने पड़ते हैं, विच इज नॉन रिफंडेबल। तो अभी हमने कराई है, अब हमें पता है हम लेट पहुंचेंगे, हमें जरूरत होती नहीं, तो हम ये $2 जो हम पे किए हमने, ये हम बचा लेते और अब रिफंड भी नहीं करवा सकते। खैर कोई बात नहीं, पीछे यहाँ पे एक थोड़ा सा चार्जिंग स्टॉप ले लिया गया है, और सामने ही है आईकिया, तो आईकिया तो घूम नहीं पाएंगे, इतना टाइम नहीं है, पूरा आईकिया घूमने में एक दिन लग जाएगा। आस पास में थोड़ा सा हाँ स्टारबक्स की शॉप ढूंढ लेते हैं, कॉफी ले लेंगे। जैसे ओ हाँ, ये मॉडल एक्स है पापा जी। हाँ, ये पुरानी वाली है, मगर पुराना मॉडल है। साथ में ये बर्गर किंग था, तो यहाँ से ना बर्गर वगैरह पैक करवा लेंगे। वैसे तो हमने खाना रखा है, बट वो इतना नहीं है कि हमारा ब्रेकफास्ट भी हो जाए और लंच भी हो जाए, क्योंकि हम कुछ भी घर से ना खा के निकले नहीं है, जैसे ही प्लान में ना तुरंत सब तैयार होके निकल लिए। फ्रूट्स का क्या है, फ्रूट से क्या ही पेट भरता है। हाँ वही ना, चलो आ जाओ पापा मम्मी, देखते हैं यहाँ पे कुछ वेजिटेरियन ऑप्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। वैसे तो इम्पॉसिबल पैटी होती है, बट इनके पास हो गया नहीं, वो नहीं पता। हाँ, एक मैंने लार्ज मील ले ली थी, एक स्मॉल ले ली मैंने। मैंने कहा ठीक है, उसमें फ्राइज ज्यादा आ जाएंगे तो तीनों का काम हो जाएगा, बट ये काफी बड़ा कप है। चलो जी भर लो, यहाँ से जो भी आपको भरना है, जितनी कोक आपको भरनी है। यहाँ रखना है अपने, हाँ हाँ, इसको पहले ऊपर सेलेक्ट करो। कर दिया था, स्प्राइट किया था मैंने, स्प्राइट किया था, तो इसको टच करो, इसको टच करो। अच्छा, जीरो है, वनी इसमें फ्लेवर है अलग अलग, स्ट्रॉबेरी करो। एक कोको कोला ओरिजिनल टेस्ट, ये कोक स्प्राइट, इसमें स्प्राइट डालो, तो स्प्राइट क्लिक करो। अब इसको कट क्लिक करो, बीच वाले को। नॉर्मल जीरो डाल दिया क्या? नहीं, नॉर्मल ओरिजिनल टेस्ट है। ठीक है देख लो, तो दोबारा आप डाल सकते हो। जीरो वाला सोडा हो गया, मेरा तो कोक ही डालना। पापा जी को पसंद नहीं आई स्प्राइट, यहाँ की कोक ही डाल देना, शुगर वाला ही चाहिए। हाँ, ये जीरो शुगर होगी, अच्छी है। लो जी, आ गई आपकी कोक। पापा जी को स्प्राइट पसंद नहीं आई, दूसरी सिलेक्ट करेंगे आप। कौन सी पापा जी? स्प्राइट ही करूंगा। अच्छा, स्प्राइट ही करोगे, तो यही है स्प्राइट, इसमें फ्लेवर्स हैं सारे। ओहो, अभी ज्यादा निकलेगी इसमें? नहीं नहीं निकली, पहले यहाँ रखो, अब इसको क्लिक करो, नहीं दबा के रखो, उसको दबा के रखो। हाँ बस, ये पापा ने स्प्राइट रंगीन बना दी एकदम। चलो आज बैठते जब तक अपना ऑर्डर रेडी होता है। 4 बर्गर ले लिए भाई, 2 मील और 2 सिंपल सैंडविच। कैसा लगा वैसे आपको पापा जी टेस्ट इसका? बढ़िया है। पापा ने सब मिक्स कर दिया। नहीं, 2 नहीं, पापा ने एक स्प्राइट स्ट्रॉबेरी ली है और एक नॉर्मल स्प्राइट ली है, मिक्स तो कर दी ना। हाँ, मतलब 2 ड्रिंक मिक्स कर दी। और ये इतनी सारी हमने कोको कोला ले लिए, पूरे रास्ते चलती रहेगी मुझे लग रहा है। चलो जी भाई, ऑर्डर तो आ गया, जल्दी आ गया ना। हाँ जी, एंड बैठ के खाने का टाइम है नहीं, तो हम गाड़ी में ही चलते चलते इसको निपटाएंगे। चलो सही है, जल्दी आ गया, 5 मिनट में ही दे दिया ऑर्डर, मुझे लग रहा है क्या टाइम लगता है, बट फिर भी इम्पॉसिबल पैटी जनरली बनाने में इनको टाइम लगता है, इसने जल्दी दे दिया। पापा कह रहे बंदे ही नहीं थे तो इसलिए जल्दी हो गया। नहीं नहीं, वेज वाला बनाने में लोग टाइम लगाते हैं इसीलिए। yeah.
कैसा लगा हमें बर्गर? मम्मी जो चटनी ले गया है ना वो चटनी डाल लो फिर स्वाद आ जाएगा। और ये देखो भाई माउंट रेनियर जो है वो दिखना स्टार्ट हो गया है। थोड़ा सा ऊपर से लग रहा है कि बादल है बट काफी सही दिख रहा है ना? कैसा दिख रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बढ़िया लग रहा है। अभी पूरा हिल स्टेशन में आ गए ऐसा लग रहा है। तो मैं कह रहा हूँ मम्मी जी आपको पूरा चोटी तक ले जाएंगे हम इस माउंटेन की। चोटी तक चल लोगे इतने? अच्छा हाँ बहुत अच्छे है। क्या कह रहे हो? धीरे चलने फुल चढ़ जाए वही बहुत है, गाड़ी तो बहुत दूर है। ये देख ट्रक देख रहे हैं। हाँ देखा, ये देखे ये देखो ये वाली गाड़ी देख, ये वाली गाड़ी देख, ये गेम में चलाता था मैं। कोई तो इवेंट हो रहा है या किसी इवेंट में जा रही है, सारी 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 की सारी गाड़ी। हाँ ये देख विंटेज कार। अच्छा यहाँ से निकल रही है शायद, ये देख शायद यहाँ से निकल रही है। ओ अच्छा यहाँ तो कुछ हो रहा है, यहाँ से निकल रही है, यहाँ पे कोई प्रोग्राम चल रहा है। पापा गुड मॉर्निंग, और रात को सोए भी तो नहीं है, रात को पंचायत देख रहे थे 1 बजे तक भाई। पूरी पंचायत पूरा सीजन 3 खत्म कर दिया। हाँ मतलब अभी हम लाइन तक तो पहुंच ही गए हैं ना, एटलीस्ट जो नेशनल पार्क की एंट्री होती है। और ये देखो गाड़ियों की लाइन, मुझे लग रहा था कि शायद इस हम ही लेट है, पर यहाँ आके दिख रहा है कि भाई आज तो पूरी जनता ही निकली हुई है माउंट रेनियर देखने के लिए। ये सारे वो है ना जो 3 बजे के बाद शायद आए होंगे यही सोच के कि टाइम एंट्री वाली रिजर्वेशन इनकी नहीं हुई होगी। हमने तो कराई थी बट हम लेट हो गए। 4 बज रहे अभी, हमने प्लान किया था 3 बजे तक यहाँ पे पहुँचने का। और पापा की नींद पूरी हो गई है, वहाँ मम्मी सो रही है। मेरे को लग रहा है कि टाइम वाला हो गया एक तो हमारा इंस्टेंट भी प्लान बन गया ना सुबह सुबह एकदम से, क्योंकि हमें स्लॉट मिल गया। हाँ। इंस्टेंट प्लान बना लिया बट फिर देन निकलने में थोड़ी सी देरी हो गई घर से, तो उस चक्कर में थोड़ा लेट हो गया बट कोई बात नहीं। और प्लस हमें ट्रैफिक भी मिल गया। हाँ बट बस एंट्री मिल जाए अंदर जल्दी से, वैसे तो रात जो होगी वो 7 या 8 बजे तक ही होगी, तो भरपूर टाइम है हमारे पास अभी भी पूरा ही एक्सप्लोर करने का। हाँ बस एंट्री मिल, बस एंट्री मिल जाए। हाँ एंट्री मिल जाए। तो भाई हम गाड़ी से उतर गए हैं, बहुत देर हो गई है बैठे बैठे, नींद भी पूरी कर ली है, सो भी गए हैं अब हम। पूरी नहीं हुई नींद अभी? अच्छा कोई नहीं, अब उड़ जाएंगे, थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं क्योंकि बहुत देर से बैठे हुए हैं। और आगे देखो गाड़ियाँ काफी दूर तक लगी हुई है, तो जब तक हमारा नंबर आएगा तब तक हम भी पैदल चलते चलते जा रहे हैं। आगे आगे चलो। हाँ जी एंट्री हो गई है, कैसा लग रहा है आसपास का एरिया? हिल स्टेशन, हिल स्टेशन पहुंच गए, बड़े बड़े पेड़ आ गए, बड़े बड़े पेड़ और घने पेड़। हाँ बहुत ज्यादा हरियाली है। हाँ घनी हरियाली, घनी हरियाली, पूरा जंगल एरिया लग रहा है। तो जंगल का तो, जंगल का तो एरिया है ही नेशनल पार्क में हम। पापा तो बोल नहीं रहे, पापा नींद में है क्या? पापा बोल रहे हैं, पापा के मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकल रहा है, क्या? वाओ वाओ। एक ही बोलेगा ना, जब मम्मी बोल रही थे पापा बंद हो गए। अच्छा ठीक है, तो अब बोल दो। अब ठीक है, अब अच्छा लग रहा है, अब व्यू एंजॉय कर रहे हैं।
हाँ जी फाइनली पहुंच गए भाई अपन माउंट रेनियर के पास। तो मम्मी पापा से तो हमने ऑलरेडी फीडबैक सुनी लिए हैं आते हुए यहाँ पे कि कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है, बट अब माउंट रेनियर के इतने पास पहुंच गए हैं तो मम्मी पापा कैसी आपको फीलिंग आ रही है अभी? बहुत अच्छी आ रही है, ठंडी हवा शुरू हो गई है, ठंड लगने शुरू हो। हाँ और सरप्राइज पहन लो भाई, यहाँ पे पहन लो, मेरे को नहीं लग रही इतनी ठंड अभी, नहीं लग रही, थोड़ी देर में लगेगी, अभी तो निकली हो रही है, मुझे तो लग रही है निकलते ही बाहर। ठीक है ले लेंगे ले लेंगे। एंड सरप्राइजिंग थिंग जो हमें यहाँ पे लगी वो भाई बर्फ अभी तक है यहाँ पे, है ना कमाल है भाई, बर्फ अभी तक है और ऐसे नहीं की छोटी मोटी, मतलब थोड़ी सी बर्फ हो, काफी बर्फ है यार वहाँ, देखो ऊपर पूरा सफेद पड़ा हुआ है पूरा पहाड़, तो अच्छा है ना फोटोज में वाइट अच्छा आएगा। वही तो मम्मी पापा को बर्फ भी देखने को मिल गई यहाँ पे। अरे गर्मी के मौसम में सर्दी का मजा स्टेशन चलो जी निकल पड़ी हमारी सवारी अब माउंट रेनियर पे हाइक करने के लिए। तो आज मम्मी पापा को माउंट रेनियर की एकदम चोटी पे चढ़वा देंगे हम, क्या कह रहे हो? वैष्णो देवी की यात्रा तो करते ही हैं, तो ये भी सेम ऐसे ही होगी। वैसे हमारे पास मात्र 4 घंटे ही है हमारे पास, बस जितना हमें इस 4 घंटे में, हाँ 5 बजे हैं अभी, 8 बजे तक हमें यहाँ से निकल जाने वाले, 7 बजे तक, क्योंकि फिर अंधेरा हो जाएगा ना, और रास्ता तुमने देखा ही है कुछ बत्ती बत्ती होती नहीं है यहाँ पे, तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है रात में चलाने में, तो इसलिए हमें ज्यादा देर नहीं लगेगी यहाँ पे। मात्र 4 घंटे में हमें जितना घूमना है, जितना तुम घूम सकते हो घूमो, जितनी तुम हाइक कर सकते हो करो, हाइक तो नहीं, जितनी फोटो, ये बोलो जितनी फोटो खींच सकते हो खींचो। फोटो तो काफी सही आ जाएंगी, फोटो तो इस टाइम पे काफी सही आएंगी, धूप भी थोड़ी बहुत है और बर्फ भी है, मजा आ जाएगा। अभी भी काफी सारी बर्फ है यार, काफी ज्यादा बर्फ है, ऊपर तक जाएंगे कैसे? ऐसा लग रहा है कुछ भी बर्फ पिघली ही नहीं है, है थोड़ा सा पास में है, वो ऊपर चल रहे हैं लोग, बना रखा है क्या? हाँ। तो ये बर्फ साइड साइड में है, पास में शायद क्लीन है। तानिया कितनी भीड़ दिख रही है यार यहाँ पे। हाँ और देख लो टाइम, हम सोच रहे थे हम ही लेट आए हैं भाई। चलो जी थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश भी हो गए हैं सब के सब, एंड जनता काफी आई है यहाँ पे अभी भी इस टाइम पे, है ना काफी लोग दिख रहे हैं यार। एक्चुअली वही है ना कि वीकेंड है, सैटरडे है, तो सब आ गए अपना वीकेंड मनाने के लिए, दिन भी अच्छा था, सनी डे था, हालांकि अभी तो धूप जो है वो छुप गई है बादलों के पीछे, बट स्टिल इट्स नाइस, मतलब ज्यादा ठंडी नहीं है, है ना ठीक है मौसम। हाँ अच्छा, मतलब मैं ये हुडी उतार भी सकता हूँ, ऐसा मौसम है, टी शर्ट में भी मैं आराम से यहाँ पे घूम सकता हूँ, इतनी कोई ज्यादा ठंडी नहीं है। बर्फ देख के हमें लग रहा था कि अरे कुछ ज्यादा ही ठंडी होगी, बट नहीं इतनी नहीं है फिलहाल। अभी जा रहे हैं हम थोड़ा सा ऊपर चढ़ के, तो वहाँ पे जाके खिंचवाएंगे फोटो, तो आराम से चलना मैडम, ये थोड़ी ना स्लिपरी हो रखी है बर्फ यहाँ पे, और हम जूते वैसे पहन के आए नहीं है। पापा जी आराम से आप पकड़ के चल लो कुछ। चलो चलो आराम से आराम से। ऐसे भी करोगे तो गिरोगे। हाँ आराम से। यहीं तक जा सकते हैं हम, इसके आगे फिर और बर्फ है। हाँ इसके आगे जाने के लिए हमें फिर वही स्टिक की जरूरत पड़ेगी शायद, मतलब स्लिपरी हो सकता है यार मामला, क्यों रिस्क लेना आराम से। ये जम्मा जम्मा की चलेंगे। हाँ जी कैसा लग रहा है पापा मम्मी? बर्फ तो साफ ही होगी, सफेद सफेद नहीं, मनाली में गंदी होती है बर्फ। इसको बच्चे को देख। अन्या अबे यार बज गई। लो भाई लो, पापा जी ने तो कपड़े उतार दिए, पापा चले अपनी फोटो सेशन करवाने। देख 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 चश्मा पहन लिया आपने। अरे मेरे पास आ गई। ये
ये देखो पीछे स्कीम बोलते हैं ना, देख अगर हमें ऊपर और ऊपर जाना होगा ना, और ऊपर जाना होगा तो ऐसी स्टिक्स और ऐसे शूज की जरूरत पड़ेगी। जा रहे हैं बट रिस्की है मामला। हाँ जी, जो मतलब इसका बहुत अच्छा पॉइंट है ना फोटो खिंचवाने का, वो थोड़ा सा ऊपर जाके है और वहां तक जाने की हम मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि जाए या ना जाए, क्योंकि ऊपर देख रहे हो ना बर्फ काफी ज्यादा है। कहाँ पे ये वाला क्या बोलते हो? हाँ वो भी कर सकते हैं, किसी को क्या पता क्या है, कहाँ से खींच रही है। अंदर अंदर फेंक के, अंदर फेंक के, अंदर आराम से। ये लो पापा जी, बर्फ भी आ गई। एक भी नहीं लगी। लगी अब फेंक। हाँ मुंह पे, मुंह पे लगी है। हाँ जी मैडम, क्या कहना चाहो? सारी मेरे मुंह पे मारी है। और क्या, दो बारी से तो मेरे मुंह पे मार रही है, दो बारी से मेरे मुंह पे आ गया। देख मेरा चश्मा पूरा बर्फ बर्फ में हो गया। मेरा नहीं हो गया, देखना तो अब हुआ ना। ये लो पापा पकड़े गए, पापा कैमरे में पकड़े गए फेंकते हुए। पांच, मैं कह रहा हूँ तने 5 मिनट तक ऐसी लेती रही फोटो। पापा को कैसा मजा, पापा को मजा ऐसा रहा जैसे रुई हो नीचे हैं। पापा बिस्तर बना के बैठे हैं। हाँ हो रखा भाई मामला बहुत। उतरते टाइम थोड़ा ज्यादा है, चढ़ते टाइम इतना नहीं लगा था। चढ़ते टाइम तो ऐसे जमा जमा में नहीं चलते, और नीचे ऐसे फिसल जाते हैं। हाँ फाइनली उतर गए भाई। अरे यार मेरे जूते वैसे वाले नहीं है ना, मेरे जूते खराब है, ये स्लिपरी है, तो इस वजह से मैं ज्यादा स्लिप कर रहा था। अब तो ठीक है, अब तो बर्फ नहीं है। हाँ अब आगे आएगी वहाँ पे, अभी यहाँ पे नहीं है। चलो जी, हाँ यहाँ पे तो हमने जितना टाइम बिता सकते थे बिता लिए, जितनी फोटो खिंचवा सकते थे सब खिंचवा ली, बाकी और कुछ समझ आ नहीं रहा क्योंकि ज्यादा ऊपर हम चढ़ सकते नहीं है। तो अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चलने का प्लान है जो कि होगा रिफ्लेक्शन लेक। तो वहाँ पे चल के देखते हैं कि कुछ दिखता है या वो भी चलता है। आज की हमारी प्लानिंग इतनी बकवास रही है ना, मेरे को नहीं लगता वहाँ पे कुछ दिखेगा। एक तो बादल आ गए हैं तो माउंटेनियर तो दिख ही नहीं रहा है, और ऊपर से बर्फ है तो रिफ्लेक्शन लेक पे भी पता नहीं। इधर वाले तो दिख रहे हैं, रिफ्लेक्शन लेक पे भी अगर थोड़ी बहुत बर्फ मिली हमें तो फिर मजा नहीं आएगा। बट ठीक है, चल के देख लेते हैं, यहाँ पे पास में ही तो है। बट वो वाला मेन था जो छिप गया, वही मेन था। भाई वो देखो सामने देख रहे हो ट्रक, उसके ऊपर उसने अपना टेंट लगा लिया, तो वहाँ पे गद्दा वद्दा बिछा लिया होगा और वहीं वो अपनी पूरी रात गुजार लेगा। हाँ ओवरनाइट पार्किंग है पता ये वाली, तो तुम यहाँ पे पूरी रात गाड़ी खड़ी करके हाँ स्टे कर सकते हो। बढ़िया काम है, सॉलिड टेंट लग रहा है। क्या कह रहे हो? उसका, मैं कह रही हूँ ये बढ़िया काम है, और टेंट भी उसका सॉलिड लग रहा है। तो अच्छा वैसे तो होगा, मतलब अंदर हीटर्स भी लगे होंगे क्योंकि रात को तो ठंड हो जाएगी ना, तो बट हाँ इसने अंदर होगा ही, हाँ कनेक्टेड होगा कुछ तो, हाँ अंदर हीटर वगैरह तो लगा ही रखा हुआ इसने। सही है, बढ़िया जुगाड़ है, दो लोग आराम से सो सकते हैं। चलो जी भाई आ गए गाड़ी में वापस, अब यहाँ से जाएंगे हम रिफ्लेक्शन लेक के पास।
खा लो, खाना खाते खाते भाग ले आओ या फिर बैठ के खा लेते हैं। जब जरूरत होगी तो खा लेंगे। पापा को लग रही होगी, पापा को हाँ भूख लग रही होगी यार। एक बर्गर जो था वो मम्मी को इतना अच्छा लगा नहीं, इम्पॉसिबल पैटी मम्मी को समझ आई नहीं, समझ ही नहीं आई। तो मम्मी ने खाली बन बन खाया सॉस लगा के। उसने अच्छा बनाया नहीं था, वो यूजुअली अच्छा बनाता है सॉस वॉस डाल के, उसने इतना अच्छा बनाया नहीं था, उसने बस काम चलाओ कर दिया था वो पैटी, तो पेट अच्छे से भरा नहीं है, तो खा ही लेते थोड़ा सा खाना। हाँ जी, क्या क्या भर के लाए हम खाने में? अप्पे। ओ भाई सही, और वो चटनी भी आई होगी। फेवरेट चटनी भाई वाली, तो मजा आ गया था। तुमने सीख ली ना बनानी? हाँ मैंने सीख ली। खत्म हुई तो तुम बना लेना फिर। अच्छा ठीक है, ओके मैडम। खा ले तू यार। अरे खाना, अरे याद करोगे? अरे याद ही कर रहा हूँ मैं। पूरी खिलाई थी सब्जी के साथ, पूरी खिलाई थी सब्जी के साथ, एक टुकड़ा और क्या, एक ही टुकड़ा है। अब तो घर जाके मिलेगी, घर जाके मिल जाएगी सब्जी भी है। लो जी, हम एक ये पॉइंट पे पहुंच गए जिसका नाम है इंस्पिरेशन पॉइंट। तो यहाँ पे आके आप इंस्पिरेशन ले सकते हो। ये मुझे नहीं पता कि पॉइंट का नाम था, तो मैंने बता दिया। फिलहाल ये रास्ते में पड़ता है रिफ्लेक्शन लेक जाते हुए। हाँ जी, ये डरना नहीं है। हाँ डरना नहीं है, माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है। नीचे देखो, ऊपर देखो, कहीं भी देखो। तो यहाँ पे आप फोटो वोटो खिंचवा सकते हो। निडर देखो, ये वहाँ से अच्छा व्यू आएगा या वहाँ से अच्छा व्यू आएगा ये मुझे नहीं पता, वहाँ भी जाके देख लेते हैं एक बारी। उधर से आएगा क्या, पीछे से? चल फिर पीछे भी चल के देख लेते हैं। और यहाँ पापा जी ने चश्मे पहन लिए, तो पापा जी इज ऑल रेडी फोटो के लिए। वहाँ देखो भाई, थोड़े बहुत बादल हटे हैं, तो माउंट रेनियर थोड़ा बहुत चोटी दिखा है। हाँ चोटी दिख रही है माउंट रेनियर की। नाइस, आ जाओ आगे चलते हैं। सब यहाँ पे खड़े होके उसी की फोटो ले रहे हैं। तभी यहाँ पे ज्यादा भीड़ थी। ऑब्वियसली बात है। वाओ, यहाँ से है कातिल व्यू। यहाँ से खिंचवाओ, यहाँ से खिंचवाओ आप फोटो। वाओ यार क्या सही दिख रहा है, क्या सही लग रहा है ना तानिया। मतलब कुछ कुछ पार्ट्स पे धूप की रोशनी कह रहा हूँ, कुछ कुछ पार्ट पे धूप पड़ रही है और कुछ कुछ पार्ट पे नहीं पड़ रही है, और कहीं कहीं हाँ। अब छिप गया ना, अब चोटी छिप गई इसकी। हाँ हाँ जी, फोटो वोटो खींच चुकी है, अब जल्दी से भागते हैं अपन रिफ्लेक्शन लेक की तरफ। चलो भाई, पार्किंग तो हमें मिल गई है फाइनली, सामने ही थी ज्यादा हमें। लकीली वो निकल रहा था, हाँ। देख लिया था और झट से मैंने रोक दी। अच्छा तुमने देखी, मम्मी ने देखी थी। ठीक है, लो जी पहुंच गए हम रिफ्लेक्शन लेक पर। तो खास बात क्या है मम्मी जी इस लेक की माउंट रेनियर का ना रिफ्लेक्शन, हाँ रिफ्लेक्शन आते हैं और काफी अच्छी फोटोज आती हैं यहाँ पे। हाँ यहाँ से नहीं आएगा, आगे चलना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ हाँ इधर से चलते हैं, आओ जो नीचे। तानिया बर्फ तो है यहाँ पे भी और काफी स्लिपरी है, देख देख देख। ये तो रिस्की वाला मामला हो गया नीचे जाने का, फिर तो बहुत स्लिपरी है तानिया। याद है पिछले पापा आए थे यहाँ पे, कितना स्लिप हुए थे वो, देख 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 देख। तो अरे वो देख ले कैसे जा रहे हैं, उस दिख देख कैसे कि वो स्लिप हो रहा है, देख देख रही कितना स्लिप हो रहा है वो। चलो जी भाई, मैं पापा जी और मम्मी जी जा रहे हैं, तानिया नहीं जा रही। तो तानिया ऊपर हमारे वेट करेगी बेटा, उसको फिसल के गिरने का ज्यादा डर है। आराम आराम से, आराम आराम से, ठीक है पापा जी, मतलब आराम आराम से हो गया ना, इतना नहीं है। पट्टी में आ गए अब तो ठीक है भाई। आ जाओ यहीं से, आ जाओ यहीं से, आ जाओ
अब देखो पंगा क्या है ना, ये पानी बिल्कुल शांत रहना चाहिए तो फिर रिफ्लेक्शन दिखाई देगी। पानी चल रहा है। हाँ, अभी पानी थोड़ा बहुत हिल रहा है तो देखते हैं, रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। हाँ, वो फोन में ही दिखेगा, ऐसे नहीं दिख पाएगा ढंग से। गिर मत जाना, गिर जाओगे सही में। आज तक कभी गिरा नहीं हूँ, कितनी बार खेल ये, लो 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 लो, हो गया प्रूफ, सामने ही मिल गया। चलो जी, जल्दबाजी में चलती थी ना, फोटो तो यहाँ पे खिंचवा ली है बट इतना मजा आया नहीं क्योंकि रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन नहीं आ रही होगी, वो दिख रहा था, पानी धूप नहीं है ना। हाँ, पानी हिल रहा है, पानी स्टेबल नहीं है, पानी स्टेबल होना चाहिए तभी आएगी। तो अब वापस चलते हैं। बाय द वे जो रोड है ना, इस रोड का नाम है स्टीवन कैनियन रोड। और माउंट रेनर को विजिट करने के चार एंट्रेंस होते हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। उसमें से सबसे जो बोलते हैं ना कि अच्छी रोड है, मतलब आसपास आपको काफी नज़ारे दिखेंगे, मतलब बेस्ट एंट्रेंस जिसे बोलते हैं, वो इस वाली रोड से है। तो यहाँ पे अभी अगर हम आगे निकलेंगे ना तो काफी सारे फॉल्स वगैरह भी हैं, हम वो देख सकते हैं, बट टाइम है नहीं हमारे पास। तो 7 बज गए हैं, तो अभी जो वापस रास्ते में जो दिखेगा वो देख लेंगे, वो देखते हुए चलते हैं। हाँ, जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस हो लेते हैं अपन। घर ही जा रहे थे भाई, फिर रास्ते में हमें ये रंगीन से ट्रेन के डब्बे दिख गए तो रुक गए फोटो खिंचवाने के लिए। एंड ये ना एक्चुअली होटल है, होबो इन करके। क्या कमाल की होटल बना रखे ना भाई, क्या कमाल का आइडिया है, मतलब ट्रेन के डब्बे उठा के इन्होंने बेडरूम्स बना दिए हैं। बेडरूम बना रखे हैं। हाँ, रूम्स ही तो है, रूम्स ही तो है सारे के सारे अलग अलग। हाँ, उधर पिज्जा मिल रहा है और उधर वो एक रेस्टोरेंट भी है। क्या सही सही बना रखा है ना। हाँ। अच्छा, एसी भी लगा रखे हैं। ओ हाँ, वो लगे हुए एसी। हाँ, मतलब मन कर रहा हो तुम्हारा ऐसे बाहर घूमने का, स्टेकेशन करने का, तो यहाँ पे आके कर लो, थोड़ा यूनिक सा आइडिया है। पर ये बहुत पहले बुकिंग करानी पड़ेगी तुम्हें उसके हिसाब। माइट भी, हाँ महंगा भी होगा शायद। हाँ, घोस्ट राइडर। हाँ, वैसी वाली बाइक थी, मजा आ गया था यार। फोन मेरा चालू नहीं था, जितने मैंने चालू करा उतने वो निकल भी गए, मतलब कैमरा मेरा ऑन नहीं था, नहीं थोड़ी नहीं बन पाया, निकल भी गए फट फट करके। हाँ, ज्यादा ड्राइव हो गई यार, है ना, ज्यादा लंबी ड्राइव। हाँ, बहुत ज्यादा लंबी ड्राइव हो गई है। फिलहाल अभी रुके हैं थोड़ा सा पी ब्रेक, फ्रेश फ्रेश होने के लिए और कमर और पैर सीधे करने के लिए। एंड बाय द वे अभी ना जस्ट अभी सनसेट हुआ है, तो आप टाइम बताओ कि क्या हो रहा होगा अभी, हैं? टाइम गेस करो कि क्या हो रहा होगा अभी भाई। रात के 9 बज रहे हैं अभी, है पापा जी, रात के 9 बज रहे हैं मम्मी जी, शाम के 6 बजे हैं, 6 बज रहे हैं, पापा कह रहे हैं चाय बनाओ, रात के 9 बज रहे हैं अब तो चलते हैं, फ्रेश होते हैं एंड देन रात का डिनर का भी हमें कुछ जुगाड़ करना है। हम तो सोच रहे थे बाहर से मंगा लेंगे, बट देन मम्मी जी पापा जी एज यूजुअल बोल रहे हैं कि घर में हमारा सामान पड़ा है, घर जाके बनाएंगे। तो हम कह रहे हैं नहीं, थक जाएंगे। पोस्टा पर हमारे पास वो भी रखा है ना, पोस्टा पिज्जा भी रखा है, देखते हैं घर पे अगर किस टाइम पे पहुंचेंगे। अभी यहाँ से आधा पौना घंटा और लगेगा, तो अगर पहुंच गए जल्दी तो देख लेंगे, अगर नहीं पहुंच पे और थके रहे तो देन बाहर से फिर कुछ इंडियन खाना मंगा लेंगे, इंडियन रेस्टोरेंट से देख लेंगे। हाँ चलो जी भाई, ये मैकडी मिल गया था खुला हुआ यहाँ पे फ्री में, हमने वॉशरूम तो इनके यूज़ कर ही लिए एंड साथ ही साथ फिर लगा कि कुछ टी भी लिया जाए, तो स्मूदी वगैरह आइसक्रीम वगैरह ऑर्डर कर दी गई हैं, तब तक वो आएगी तब तक हम आराम करेंगे। सब थक गए हैं, सबसे ज़्यादा मम्मी को वासी भी आ रही है। हाँ चलो जी, आ गया हमारा ऑर्डर, ये पाइन एप्पल कुछ पाइनएप्पल स्मूदी है ये। जमा हुआ है पूरा। हाँ, और ये तेरा होगा, ये मैंने अपने आइसक्रीम मंगाई थी और थोड़ी सी फ्राइज, छोटी नहीं दे दी है, स्मॉल ही मंगाई ये। हाँ, तेरी तो स्मॉल ही थी ना, पर फिर भी मम्मी पापा की मीडियम मंगाई थी, तेरी स्मॉल मंगाई थी और ये मैंने मीडियम मंगाई थी। तो अगर आप एक चीज सोच रहे हो कि हमने कुछ बर्गर वगैरह क्यों नहीं ऑर्डर किया, तो इस एक ही रीजन की वजह से। हाँ जी, यहाँ पे वेज में कुछ नहीं मिलता, तो थोड़ा बहुत हमने ले लिया, बाकी घर पे खाना खाया जाएगा। Time to move ahead.
अब हम रुकेंगे डायरेक्टली घर पर और बस गाड़ी भी चार्ज हो गई है, अब निकलेंगे यहाँ से हम, अब हो जाएंगे भाई हम यहाँ से तीतर। फाइनली भाई पहुँच गए हैं घर पर एंड बस अब डिनर वगैरह कुछ जुगाड़ करेंगे, वैसे तो इतनी भूख है नहीं तो कुछ हल्का फुल्का खा लेंगे एंड बस इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग की समाप्ति। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना एंड इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।